परिवार से ही जो है जैसे हम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं उसी हिसाब से हम इससे मोहब्बत करते हैं कि दुर्गा जब से आई है यहाँ पर बस हम अपने बच्चे की ही तरह इसको समझते हैं कि जैसे हमारा बच्चा इसे ये बच्चा है। इसके चक्कर में हम छुट्टी भी नहीं जा पाते हैं, इसके रखरखाव में डर लगता है कि कहीं जो है हम नहीं हैं, कोई जो है पानी पिलाया नहीं पिलाया, खाना खिलाया इसको नहीं खिलाया, इस चक्कर में। किसी ने चाय पी करके कप रख दिया उसको पैर से दबा देना तोड़ देती है कप को, गिलास रख दिया तो गिलास तोड़ दिया, कभी किसी के चादर उठाई चादर को फाड़ दिया, किसी की शर्ट टंगी है तो शर्ट उठा के फाड़ दिया। ये अब करती, लेकिन हमारे महावत और चारा कटर जितने भी हैं कोई भी बुरा नहीं मानता है, वो कहता है कि बहुत अच्छा कर रही है और ना ही कोई डांटेगा। अब तो इसकी आदत बन गई, हम लोग खाना खाने बैठते हैं और आ जाती है तो रोटी जो है लेकर के जल्दी जल्दी खा जाएगी, तो सबकी रोटी किसी किसी दिन तो रोटी सबकी खा लेती है, तो चावल खाने को हम लोग बनते हैं। ये परिवार में रहते हैं जो अपने साथ झुंड के साथ में, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि कहीं झुंड क्रास हो रहा होगा, तो उसमें मधुमक्खियाँ मिल गई और काटने लगी हैं, तो ये अलग दिशा में भाग ली और झुंड जो है दूसरी दिशा में चला गया, फिर दोबारा ये ग्रुप से मिल नहीं पाई। जिस समय ये पकड़ी गई थी लगभग 3 महीने की थी, फिर इसको हम पकड़ करके जो यहाँ पर लाई गई है इसको देखा गया है, तो इसका फिर ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर आए उसको देखा गया कि जो है इसको मधुमक्खियों ने काटा है, और देख करके भी लग रहा था कि उसके कांटे लगे हुए थे, जो मधुमक्खी काटते हैं उनमें कांटे होते हैं, तो कांटे लगे हुए थे, तो यहाँ पर उसको हमने धुल धुल करके खून निकाला था उसको। जब ये दुधवा आई तो जो है इस बच्चे ने देखा कि हमारे और साथी लोग आ गए हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन, दो तीन दिन में ये पूरा घुल मिल गई इसने। अब कहीं भी रहती है दुर्गा को इन हाथियों के पास जाना है, रूपकली काफी सहयोग करती है इसका। रूपकली दुर्गा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए माँ, माँ से भी अच्छे के। जैसे हम लोग बुला देते थे कि दुर्गा तुरंत चली आते थे, लेकिन अब दुर्गा जो है लिफ्ट नहीं मारती है, माँ में रहती है। मतलब कि अब नहीं आती है जल्दी, हाँ उनको करना पड़ता है। एक घर छूटा दूसरा घर मिल गया।